इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन का खुलासा होने के बाद से गुरुग्राम का मन्नू या मन्नान जो कि लापता है उसके पिता से जी हिंदुस्तान ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मन्नान ने अपने माता पिता से वीडियो कॉल कर बात की थी। मन्नान के पिता को गुरुग्राम सेक्टर 14 में एक मुस्लिम इंटरप्रेटर पर शक है। गुरुग्राम सेक्टर 14 का मुखबिर स्कूल शक के इस वक्त दायरे में है। एक लड़की का भी धर्मांतरण किया गया है। मन्नान के पिता का दावा है कि 5 महीने पहले शिकायत भी की थी इसको लेकर। तो देखिए बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। देश में अपने धर्म और मजहब को आगे बढ़ाने की आजादी है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे जिहादी बनाने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। जी हिंदुस्तान ने यूपी में धर्मांतरण की साजिश का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है और हमारी पड़ताल पाकिस्तान तक जा पहुंची है। मुखबिरों के धर्मांतरण मामले पर विस्फोटक खुलासा हमने आपको दिखाया। आज आपको इससे जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज भी हम दिखाने वाले हैं जो कि ये खुलासा करने वाले हैं कि कैसे सरहद पार से धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जा रही है और जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। और साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर हुए खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने राजनीति अब शुरू कर दी है। अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तार उमर गौतम और जहांगीर का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन संवैधानिक अधिकार है, ये अमानतुल्लाह खान की ओर से कहा गया है। बीजेपी यूपी समेत देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, माहौल बिगाड़ना चाहती है। उमर गौतम ने कानून के दायरे में धर्म परिवर्तन कराया है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। योगी सरकार दलित मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है, अमानतुल्लाह खान की तरफ से ये कहा गया है। सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर करते हुए कि देखिए उमर गौतम ने जो धर्म परिवर्तन किया है या धर्म परिवर्तन करवाया है वो कानून के दायरे में रहकर ही करवाया गया है, यानी कि जायज ठहराते हुए, संवैधानिक ठहराते हुए उमर गौतम के धर्मांतरण को। मौलाना उमर गौतम ने या मौलाना जहांगीर ने किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया। जिन लोगों से धर्म परिवर्तन कराया वो कानून के दायरे में कानूनी प्रक्रिया पूरी करके कराया। मैं जानता हूं दोनों लोग मेरी विधानसभा में रहते हैं, ओखला के अंदर रहते हैं और दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो जिस तरह से भाजपा ने उनको फंसाया है वो सरासर गलत है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है वो मुसलमानों पर मुसलसल, दलितों पर मुसलसल जुल्म कर रही है और बाज नहीं आ रही है। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन में आ चुकी है उमर गौतम के, लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शालिनी और दीपिका मौजूद है मुखबिर स्कूल के बाहर से। इसके साथ ही हर्षा हमारे साथ मौजूद है दासना मंदिर से। लेकिन सबसे पहले शालिनी दीपिका आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि देखिए 1000 लोगों की सूची सामने आई जिसमें मुखबिर बच्चे भी बताए जा रहे हैं, यानी उनका भी फायदा उठाकर उनको भी इस्लाम में कन्वर्ट करवाया गया है। मुखबिर स्कूल को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या जांच पड़ताल जो की जा रही थी वो कहां तक पहुंची है? देखिए रितिका, मैं आपको बताऊं कि जो मूकबधिर बच्चों का ये स्कूल है जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि यही बच्चे रहते भी हैं, यही पढ़ते भी हैं। ये पीछे तक आपको दिखाई दे जाएगा बिल्डिंग, ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन बच्चों का रहना और साथ ही पढ़ना ये दोनों यहीं पर होता है। और देखिए मूकबधिर बच्चे जो यहां पर आते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि हम आपको पढ़ा करके आपको ऐसी स्किल देंगे जिससे आगे आपको नौकरी मिल सकेगी, और ये बोल करके उनकी पढ़ाई यहां पर करवाई जाती है। लेकिन देखिए वो बच्चे जो ना कोई मंत्र बोल सकते हैं, ना कुरान की आयात बोल सकते हैं, न शायद धर्म के बारे में ठीक से जानते हैं, आरोप ये लग रहा है कि उनका यहाँ पर बाकायदा ब्रेन वॉश किया जाता है और ब्रेन वॉश करा करके उन्हें एक खास धर्म के प्रति प्रेरित किया जाता है। और इसी सिलसिले में देखिए मनु का जो नाम आ रहा है जो इसी स्कूल में पढ़ा हुआ है, उसके साथ शकील जो कि ये दोनों ही गुरुग्राम के एक स्कूल में पढ़ते थे, वो भी डेफ स्कूल है गुरुग्राम का, सेक्टर 14 का डेफ स्कूल, वहां पढ़ते थे। उसके बाद मन्नू यहां पर आया और शकील, जो दोनों गुरुग्राम में क्लासमेट थे, शकील ने यहां पर पढ़ाना शुरू किया। अब मन्नू के घर वालों का ये कहना है कि शकील जो कि यहां पर पढ़ाता था वही बच्चों का ब्रेन वॉश करता था और उन्हें धर्म के प्रति इस पर और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन दीपिका भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। दीपिका, जब लगातार जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है तो देखिए खुलासे अभी बहुत सारे होने बाकी हैं क्योंकि स्कूल भी शक के दायरे में है और ऐसे भी और कई बच्चे हो सकते हैं जिनके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है, और क्या जानकारी आपको वहां से मिल पा रही है दीपिका?
लवीना देखिए, ये जानकारी इस वक्त जो सबसे अहम मिल पा रही है वो ये कि गुरुग्राम के सेक्टर 14 में भी किस तरह से वहां पर लोग जो हैं वहां पर भी वो लोग वहां पर शिफ्ट होकर के यहाँ नोएडा के इस 177 डेफ स्कूल में आए और किस मकसद से आए, क्या कोई मैसेज लेकर के स्कूल में वो दाखिला लिया, क्योंकि वहां के डेफ स्कूल में वो लोग पढ़ रहे थे, फिर यहां पर आने की क्या मजबूरी थी। ऐसे तमाम सवाल है जो अब उठ रहे हैं। यही वो स्कूल है, हालांकि अभी ये फिलहाल बंद है, लेकिन जैसे ही 10 बजे ये स्कूल खुलेगा उसके बाद एक बार फिर से जांच पड़ताल बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। कल भी हमने देखा कितनी तेजी से यहां पर हलचल बढ़ गई थी और यही नौजा का वो डेफ स्कूल है जो शक के घेरे में है, जिन पर कई सवाल दागे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, संविधान ये इजाजत देता है कि आप किसी भी धर्म को कबूल कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती से धमका करके, पैसों का लालच देके, नौकरी का लालच दे करके। ठीक है दीपिका, आपको रोकना चाहेंगे, हर्षा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हर्षा देखिए, आर्थिक तौर पर उन लोगों को टारगेट किया गया जो कि कमजोर थे और उनका फायदा उठाया गया, उन्हें बरगलाया गया, उन्हें ब्रेन वॉश किया गया, तमाम तरह के लालच प्रलोभन दिए गए। आप जिस जगह पे मौजूद हैं वहां की तस्वीर क्या कुछ कहती है, वहां से क्या कुछ और डिटेल्स निकल कर सामने आ रही है? देखिए रितिका, मैं आपको बताऊं, यूपी एटीएस और यूपी पुलिस द्वारा जो पूरे साजिश का खुलासा किया गया है धर्मांतरण की, उसके तार यही पे, यानी कि डासना देवी मंदिर से जुड़े हुए हैं। ये डासना देवी मंदिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ रितिका मेरे पीछे। 2 जून की घटना है जब विपुल और काशिफ नाम के दो व्यक्ति अपना नाम बदल करके, अपने आप को हिंदू बता करके इस मंदिर में प्रवेश हुए थे और जब पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया तमाम जाँच के बाद और जब खुलासा हुआ, तब पता चला कि उनके जो डॉक्टर, उनके जो गुरु हैं डॉक्टर सलीमुद्दीन, ये दोनों मुस्लिम युवक हैं, किसी खास मकसद से अंदर पहुंचे थे। और जब सलीमुद्दीन को पकड़ा गया, उससे जब पूछताछ की, तब यूपीएटीएस द्वारा ये पूरे धर्मांतरण की जो साजिश है इसका पूरा खुलासा हुआ, किस तरह से डॉक्टर सलीमुद्दीन लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। यहां तक कि जो विपुल नागपुर निवासी जिसका नाम रमजान, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट लेंगे कोई और इस पर अपडेट होगा तो। बहुत शुक्रिया शालिनी, दीपिका और हर्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।